मॉर्निंग गेमर्स, वेलकम बैक। आज हम हमारे चैनल पे एक नई गेम खेलने वाले, जिस गेम का नाम है शिप्स एट सी। इस गेम के अंदर भाई हमको टोटली एक नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है समंदर का, शिप्स का। अगर आपको शिप्स पसंद है, समंदर पसंद है, तो ये गेम आपको बहुत पसंद आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू करियर। आई एम सो एक्साइटेड स्टार्ट न्यू करियर, बिकॉज मेरे को हमेशा से शिप्स बहुत अच्छी लगती है। यू नो, मैं जब भी समंदर किनारे जाता हूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ शिप्स, देखता हूँ समंदर में, बट जाने में हिम्मत नहीं होती, डर लगता है मेरे को समंदर से। बट इस गेम के अंदर हम लोग ऑब्वियसली समंदर के अंदर भी जाएंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे। तो अभी सबसे पहले हमको यहाँ पे अपना नाम देना है। अब मैं खुद को यहाँ पे बुलाने वाला हूँ कैप्टन, कैप्टन वैभव स्पीकिंग। ठीक है, आपका कैप्टन वैभव आ चुका है। और यहाँ पे मेरे पास क्लोज भी है, डॉक फिशरमैन, फिशरमैन टू, वो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मेरे को ये थोड़ा सा कूल लग रहा है, डॉक वर्कर वन। और हैट भी पहनते हैं, थोड़ा सा यू नो, प्रोफेशनल लगेगा मैं। और यहाँ पे मैं इसको भाई घुमा भी सकता हूँ मैं, या एकदम कूल लग रहा है। सो लेट्स सेव दिस, एंड अभी आई थिंक हम लोग आ चुके हैं। तो वेलकम टू शिप्स एट सी, यू हैव जस्ट अराइव्ड इन रोस्ट। इसको रोज बोलते हैं क्या? ठीक है, टू स्टार्ट न्यू मिशन, न्यू मैरीटाइम करियर। ओके, इसको मैरीटाइम करियर बोलते हैं। ठीक है भाई, मेरे को तो पता नहीं है, बट आई थिंक अभी बारिश होने वाली है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा माहौल लग रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, गो टू द ऑफिस, टेक योर फर्स्ट मिशन टू गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फाइनली गेम शुरू हो चुका है। देखो ग्राफिक्स भी काफ़ी प्यारे हैं। अभी ये हमारा ऑफिस है, तो यहाँ से अभी हमको अपना पहला मिशन शुरू करना है। सो लेट्स सी अपना पहला मिशन क्या है। ये हम ऑफिस में तो आ गए, डिलीवर फूड। ओके, मुझे फूड को डिलीवर करना है। कितना दूर जाना है मेरे को यहाँ से? केवल डीएस बैटली, यार क्या ये, आई थिंक ये रशियन नेम है कोई। तो मुझे यहाँ पे जाना है जहाँ पे मेरे को फूड डिलीवर करना है। मेरे को पेमेंट $20,000 का मिलेगा। वाओ, 20,000 काफ़ी इनफ होता है भाई। और 250 XP मिलेगी। ठीक है, हमको डिस्टेंस 0.3 नॉटिक माइल, इसको नॉटिक माइल बोलते हैं, क्योंकि समंदर वाले जो डिस्टेंस होते हैं वो अलग होते हैं और अपने नॉर्मल अलग होते हैं। तो नॉटिक माइल 0.3 जाना है। तो ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लिया मिशन मैंने। फॉर दिस मिशन यू नीड टू पिक अ कार्गो बाय द पोर्ट। वो ये कार्गो है जिसके अंदर अभी मछली अबे ये तो मछलियाँ ही है। ओके, तो मेरे को मछलियाँ ही डिलीवर करनी है भाई, क्या पागल हो गए। खुद भी तो मछलियाँ पकड़ सकते हैं ना समंदर में, इतना बड़ा समंदर है। ठीक है, कोई नहीं, अभी मैं यहाँ पे बोर्ड कर लेता हूँ। बोर्ड, ये हम लोग बोर्ड के अंदर आ गए, मैंने मछलियाँ ले ली है। और अभी कैसे भाई चलाऊँ, कैसे मैं टी टू अनडॉक, तो बोर्ड को सबसे पहले अनडॉक करना है। ये बोट अनडॉक होगी। वो भाई, मैं फर्स्ट टाइम कोई बोट चला रहा हूँ। वैसे मैंने रियल लाइफ में बोट चलाई है और ऐसे ही बोट चलाई है भाई। ये बोट चलाना ना सीरियसली बहुत मुश्किल का काम होता है, चप्पू चलाना बाई गॉड बहुत मुश्किल होता है। बट मेरे को जाना कहाँ पे है, हमको किधर जाने का है? डिस्टेंस यहाँ पे तो लोकेशन भी मार्क नहीं है। हेलो, वेयर शुड आई गो? ओके, उधर। ओके गाइस, सामने की तरफ डिलीवरी एरिया मेरे को दिखाई दे रहा है, तो हमको उस तरफ जाना है। ठीक है, कोई नहीं, अभी सबसे पहले मैं बोट को थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। भाई गेम के अंदर बोट चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और एक बार मैप देख लेता हूँ मैं, मैप कितना बड़ा है। वाओ भाई साहब, क्या ही बड़ा मैप है। यहाँ पे रिफ्यूलिंग स्टेशंस भी है। वैसे भी अभी हमारे पास नॉर्मल बोट है, मशीन वाली भाई फ्यूल वाली बोट भी परचेस करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे एरिया, फिशिंग हैबिटेट, यहाँ पे आई थिंक मैं मछली पकड़ सकता हूँ। वाव यार, और ये सारे गाइस रशियन नेम है डेफिनेटली। ये कायरो या डेफिनेटली कैरो या जो भी बोलते हैं इसको, ये सारे रशियन नेम्स हैं। मे बी रशियन डेवलपर ने ही बनाया इस गेम को, बट बहुत प्यारा है। तो अभी यहाँ से निकल लेते हैं अपना फूड डिलीवरी करने के लिए। वैसे यहीं पर डिलीवर करना है? नहीं यार, यहाँ पे इतनी पास तो नहीं होगा। अगर इतना पास होता तो भाई मैं चल के जाके फूड दे के आता। मे बी मुझे लग रहा है मुझे पूरा घूम के दूसरी तरफ ही जाना पड़ेगा। और बोट को थोड़ा सा मैं घुमा लेता हूँ, इसको बोट चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भाई समंदर का पानी बहुत ज़्यादा यू नो वॉलेटाइल होता है, इधर उधर कहीं पर भी अपनी बोट खिसका देगा ये। दैट्स वाई मेरे को एकदम ठीक से प्यार से बोट चलानी है। वैसे मैं अपना सिनेमैटिक व्यू वो चेंज कर सकता हूँ मैं। ओके, ये देखो, ये नॉर्मल व्यू ऐसा लगता है। अगर मैं खुद बोट चलाता ना, एग्जैक्टली ऐसा व्यू मेरे को दिखाई देता, बट नहीं, नॉर्मल व्यू लगता है मेरे को। आई थिंक पूरा इस वाले एरिया को पार करके दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। ये हम लोग गेमर्स आ चुके हैं फूड डिलीवरी एरिया में, और यहाँ पे आई थिंक मुझे बोट को डॉक करना है। ओके, रिड्यूस द स्पीड और टी टू डॉक, मैंने डॉक कर दी बोट। डॉक मतलब यहाँ पे बांध दिया, और अभी एग्जिट करते हैं बोट को। गाइज, वी डिड इट, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। भाई मैं कितनी दूर आया मैं, और यहाँ पे डिलीवरी करनी है। ठीक है, एक्स टू प्लेस, ये मैंने गाइज डिलीवर कर दिया। डिलीवरी पेमेंट 20,000 KR। ये KR क्या होता है पता नहीं, मे बी ये डॉलर्स नहीं है फिर डेफिनेटली। और डिलीवरी एक्सपीरियंस मेरे को 250 मिला है डिस्टेंस ट्रैवल। ओके ठीक है, और XP वगैरह भी मिलते हैं मेरे को ट्रैवल करने के। तो कंटिन्यू, अपना मिशन पहला कंप्लीट हो गया। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ये कैसे जगह है, मैं दूसरी तरफ जा सकता हूँ मैं? नहीं यार, मैं पानी के अंदर भी नहीं जा सकता, पता नहीं भाई ऐसा क्यों है। बट ठीक है गाइज, अपना पहला मिशन तो कंप्लीट हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग योर फर्स्ट मिशन, गो बैक टू ऑफिस फॉर योर नेक्स्ट मिशन। ओके, मुझे वापस ऑफिस में जाना है।
तो टेलीपोर्ट का भी भाई सही है, टेलीपोर्ट का ऑप्शन है, यू कैन टेलीपोर्ट बैक टू द पोर्ट इफ यू रो बैक टू द पोर्ट यूर सेल्फ यू विल गेन 150 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। अरे यार तो अगर मैं टेलीपोर्ट होऊंगा ना गाइज तो मेरे को एक्सपी नहीं मिलेगी, और अगर मैं खुद बोट चला के जाता तो मेरे को 150 मिलेगी। ठीक है भाई पहले बार छोड़ देते हैं, ठीक है हम लोग बाद में एक्सपी कलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपने ऑफिस में, अभी नेक्स्ट मिशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है अभी लेट्स सी नेक्स्ट मिशन हमको क्या मिलने वाला है। ये ऑफिस में हम लोग वापस आ गए। रिपेयर सी मार्कर, अभी ये सी मार्कर क्या है? ओके वो समंदर में जो वो जो लाइट आती है ना, आई थिंक वो होता है सी मार्कर। सी मार्कर हैज़ ब्रोक डाउन, हेल्प रिपेयर इट। 20,000 पेमेंट यहाँ पे भी मिलेगा और 250 एक्स मिलेगी। ठीक है एक्सेप्ट मिशन, तो अभी मेरे को करना क्या है? सी मार्कर क्लोज बाय ब्रोक डाउन, बट इसके लिए भी क्या करना है मेरे को? इन शॉप यू कैन बाय वेरियस टूल्स। ओके अभी मुझे टूल्स बाय करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, वहाँ पे आई थिंक लाइट बल्ब ही हमको चेंज करना पड़ेगा। तो एक पावर ड्रिल है ये हमको बाय करना पड़ेगा, कितने की है? अभी तो मेरे को फ्री में ही मिल रही है आई थिंक, नहीं आई थिंक 299 में मिल रही है। ओके 299 में मिल रही है, इसको मैं परचेस कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके परचेस कर ली, और मेरे को ये फ्यूज़ वहाँ पे लगवाना है आई थिंक, तो फ्यूज़ भी परचेस करते हैं। 19 रुपीज़ में मिल रहा है, और एक लाइट बल्ब। ठीक है डन, सारी शॉपिंग हो चुकी है, एंड अभी मेरे को बोट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है भाई तो लेट्स गो गाइज, अभी वो सी मार्कर को रिपेयर करके आते हैं। आई एम सो एक्साइटेड, बट जाना कहाँ पे देखते हैं। अभी सबसे पहले बोट में अपने को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। बोट ये मैंने यहाँ पे डॉक कर दिया, और वेयर शुड वी गो, कहाँ पे? ओके उधर, ओके पीछे की तरफ मैप में देख लेता हूँ मैं कहाँ पे जाना है। वो इधर जाना है मेरे को, सी मार्कर ये वाला। ओके यहाँ पे मैं ये मार्क नहीं कर सकता क्या यहाँ पे? ओके हम मार्क कर सकते गाइस। ठीक है मेरे को यहाँ पे जाने का है मून नोड यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे नोड लगा दिया है। तो मेरे को आई थिंक पूरा टॉप के ही जाना पड़ेगा मैं भी। ये अभी मेरी बोट इधर है, नहीं अभी मेरी बोट इधर है, मेरे को पूरा ऐसा घूम के दूसरी तरफ जाना है। ओके आई गॉट इट, तो आई थिंक इसी तरफ से सही रहेगा, या मैं दूसरी तरफ से जाऊँ? आई थिंक यही से गाइज मे भी सही रहेगा, हाँ यही से, क्योंकि उधर से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, हमको ऐसे पूरा घूम के इधर जाना पड़ेगा। सो ठीक है अभी लेट्स गो, निकल लेते अपना सी मार्कर को रिपेयर करने के लिए। हम सारे काम करेंगे ऑब्वियसली, सबसे पहले छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे हमको, ये रिपेयरिंग का वगैरह, और बाद में भी हम लोग यहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी पकड़ेंगे। और ऐसे भी देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी बोट्स दिखाई दे रही है भाई। अभी तो अपने पास देखो नॉर्मली वर्क करना पड़ेगा जब तक नए पैसे नहीं आ गए, और मुझे लग रहा है आगे जाके हमको बड़े बड़े मिशन भी मिलेंगे, जैसे कि बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़नी है। यहाँ पे एक सी मार्कर है, ये नहीं है आई थिंक, ये वाला है क्या? ओके उधर है, तो अलग अलग जगह पे आई थिंक ये सी मार्कर नहीं है मे बी ये। ओके ये आई थिंक वाटर लेवल का होता है, और ये भी ब्लू कलर की कोई हरी कलर की चीज़ है मे बी। ये ना यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है, दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे ये सी मार्कर लगाया है, ताकि बोट यहाँ पे ना फंस ना जाए, या जिस जगह पे ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पानी बहुत गहरा नहीं होता, वहाँ पे ये लगाए जाते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई यहाँ पे गहरा नहीं है समंदर, नहीं तो बोट टकरा सकती है। और अभी मेरे को व्यू चेंज करके ऐसे रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है आइए हम लोग आ गए, लेट्स गो। अभी मैंने गाइज यहाँ पे क्लाइम कर लिया है ऊपर, ये देखो अपनी बोट नीचे है, और हम लोग आ चुके हैं इस बल्ब को रिपेयर करने के लिए। बट हाउ डू आई रिपेयर? अभी मुझे स्क्रू रिमूव करने पड़ेंगे। आई टू ओपन इन्वेंटरी, ओके ये रहा अपना पावर ड्रिल, लेट्स गो गाइज, इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ मैं। कम ऑन ई टू अनस्क्रूज, अरे भाई ये तो सही है गाइज, अब ये स्क्रूज निकाल देते हैं यहाँ से, ये स्क्रू तीनों मैंने निकाल दिए। ओके एंड अभी इसको ओपन करना है, ओपन डोर, ये रहा लाइट बल्ब। अभी मुझे इस बल्ब को यहाँ से रिमूव करना है और नया वाला बल्ब लगाना है। ओके आई थिंक हो गया, ई टू ऐड कवर, गाइज लेट्स गो, अपना काम हो चुका है। ये देखो अभी यहाँ पे लाइट शुरू हो गई, एंड अभी क्या करना है, क्लोज द कैबिनेट, ये कैबिनेट क्लोज हो गया, एंड यहाँ पे इसको स्क्रूज वापस लगा देते हैं। अबे ये तो सही है, अपना काम हो चुका है, और इसके भी मेरे को 20,000 मिल जाएंगे। कंप्लीटेड गाइज, मिशन अपना कंप्लीट हो चुका है, गो बैक टू शॉप। ओके समझ गया मैं, और अभी मुझे क्या करना है, बाइट जिगरर टू कंटिन्यू द ट्यूटोरियल। ये जिगर क्या होता है पता नहीं, बट अभी यहाँ से अपने बोट में निकल लेते हैं। यार अभी देखो मैं वापस यार टेलीपोर्ट हो लेता हूँ यार, बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक है अभी हम लोग वापस आ गए अपने बोट पे, अपने ऑफिस में, एंड अभी नेक्स्ट मिशन के लिए देखते हैं। अभी मुझे यहाँ पे कुछ जिगरर बाय करना है, पता नहीं ये जिगरर क्या होता है। देखो ये सारे कंसेप्ट मेरे लिए नए है, क्योंकि भाई मैंने ना कभी शिप पे काम करा है, ना मेरे को शिप्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, बट इस गेम के बाद हमको पूरा नॉलेज आ जाएगा क्या होता है ये जिगरर। तो ये होता है जिगरर, और हैंड जिगरर यूज फॉर फिशिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फिश। तो अभी मैं फिशिंग करने वाला हूँ, लेट्स गो गाइस, इसको बाय करते हैं। ओके मैंने बाय कर लिया, एंड अभी क्या करना है मुझे, टैप टू ओपन मेन्यू। ओ तो गाइस ये मेरा सर्टिफिकेट है,
अभी मैं लेवल 1 पे हूँ, टोटल एक्सपीरियंस 570 है, अनयूज स्किल पॉइंट्स 2 है, तो यहाँ पे मैं स्किल पॉइंट्स भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि इंजीनियर, फिशिंग, डेक हैंड, भाई साहब बहुत सारे स्किल्स है, तो इन्वेंटरी स्लॉट्स मेरे बढ़ जाएंगे अगर मैंने ये वाला यूज़ कर लिया तो स्किल। ओके ठीक है गाइस, समझ गया मैं, तो मेरे को स्किल पॉइंट्स चाहिए अलग अलग, तो यहाँ पे इसको मैं सीख सकता हूँ, इन्वेंटरी स्लॉट 3 है। फिर इको डाइविंग, आई थिंक अपना ओके फ्यूल कम यूज़ होगा। ओ भाई, फ्रेंड्स इन हायर प्लेस, भाई बहुत सारी चीज़ें है, और क्रूमेट भी है, हमको यहाँ पे क्रूमेट भी आई थिंक मिलेंगे, भाई मज़ा आने वाला है इस गेम को खेलने में। तो अभी अपना ये अपने पास, मेरे पास अभी एक ही बोट है, अभी अगर मेरे को नई बोट वगैरह बाय करनी पड़ेगी तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन है शिपिंग के बारे में, शिप्स के बारे में, फिशिंग, हाँ ये आई थिंक ओके जिगलर है गाइस, तो इसको एक्वायर करते हैं, ठीक है मैंने स्किल एक्वायर कर लिया है। अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले फिशिंग करने के लिए, ऑब्वियसली हम लोग एक फिशरमैन है तो फिशिंग करने के लिए ही जाएंगे रे, सो लेट्स गो। ये मैंने यहाँ पे फिश को, बोट को ये डॉक कर लिया, अनडॉक कर लिया, और अभी यहाँ से निकल लेते हैं फिशिंग करने के लिए। बट मेरे को जाना कहाँ पे, ओके वहाँ पे सामने की तरफ एक फिशिंग हैबिटेट है, वैसे वो पास में ही है, तो अभी हम लोग फर्स्ट टाइम फिशिंग करने वाले इस गेम के अंदर। और देखो अपने पास अभी छोटी सी बोट्स है, मेरे को बहुत सारे नए नए स्किल सीखने पड़ेंगे, तब जाके मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, फिर जितना मैं मेरे पास अपने बढ़िया स्किल्स होंगे उतना अपने लिए बेटर रहेगा, ताकि मैं और भी बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ पाऊँगा। अभी तो मैं फर्स्ट टाइम फिशिंग करने जा रहा हूँ, अगर आपने कभी फिशिंग करी है तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी मछली नहीं पकड़ी है, मैंने पकड़ते हुए देखा है बट खुद से कभी नहीं पकड़ी है। जब मैं एक बार यू नो कोकन, हमारे यहाँ पे बहुत फेमस जगह है कोकन, पूरा समुंदरी किनारा है, तो वहाँ पे मैंने बहुत बार लोगों को फिशिंग करते हुए देखा है बट मैंने खुद से कभी भी फिशिंग नहीं करी है। एक चीज़ गाइज मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरे पास ना कोई फिशिंग रॉड है ना मेरे पास नेट है, फिर वो जिगलर से मैं मछली कैसे पकड़ूंगा, वो तो एक पेंट ब्रश की तरह ही दिख रहा है मेरे को, आई डोंट नो। और मेरे को बस तीन ही फिशेस को कैच करना है और तीन ही फिशेस को मेरे को बाद में सेल भी करना है। ओके तो आई थिंक यहाँ पे कोई बड़ा सा फिश मार्केट भी है जहाँ से हम लोग फिशिंग वगैरह करके भी पैसे कमा सकते हैं, तो ऑलमोस्ट हम लोग वो वाले एरिया में आ ही गए थोड़ा सा। ओके और काफ़ी अंदर जाना पड़ रहा है, और वैसे भी आप देख सकते हो मैप के अंदर ना आपको एक ऐसा स्पेस दिखाई दे रहा होगा, मतलब उनको घेरे पानी के अंदर ही जाना पड़ता है, वही जाके हम लोग फिशिंग कर सकते हैं। एंटर्ड फिशिंग हैबिटेट, अबे आ तो गया मैं, तो अभी यहीं पे मेरे को गाइस फिशिंग करनी है। यू हैव अराइव्ड एट फिश हैबिटेट, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मेरे को यहाँ पे कास्ट लाइन करनी है, ठीक है ई टू कास्ट लाइन, इक्विप द जिगलर। ओके आई थिंक मुझे सबसे पहले जिगलर को इक्विप करना पड़ेगा यूज, तो यहाँ से ई टू प्रेस, एक तो मछली मिल जाए यार। ओके गाइज आई थिंक एक मछली गाइज हमको मिल चुकी है, वेट करो वेट करो वेट करो, जब ग्रीन आता है तब क्लिक करना है। ओके कम ऑन, फंस जा, ओ फंस गई गाइज, आई थिंक वी फाउंड द फिश, अभी मेरे को उसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है प्यार से एकदम ऊपर खींचते हैं, बस उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, वो जहाँ पे जा रही है ना वहाँ पे अपनी बोट लेके चलते हैं, वो यहीं पे मेरे को नचा रही है। ओके एक सेकेंड, लेफ्ट फिश हैबिटेट, एक सेकेंड भाई फिश हैबिटेट लेफ्ट नहीं करना, एक सेकेंड मैं व्यू चेंज कर लेता हूँ, अरे वो तो उधर जा रही है ना, मेरे को उसी के पास जाना पड़ेगा, अगर मैंने ज़्यादा उसको तेज़ खींचा तो वो भाग जाएगी। ओके वो उधर चली गई है, ओह आ जा, कहाँ पे जा रही है वो मेरे को दिखाई भी नहीं दे रही ठीक से। ओके इधर है, अरे यार देखो वो भाग जाएगी, मैं बस नहीं चाहता वो भाग जाए। ओके यहीं पे कहीं पे गाइज, यस कम ऑन, वो दिखाई दे रही है मुझे गाइज, मुझे मछली दिखाई दे रही है, कम ऑन माय बॉय, कम ऑन माय फिश, आ जा ऊपर आ जा, इसको ऊपर खींचूंगा मैं। ओके गाइज ऑलमोस्ट, अरे नहीं छोड़ना नहीं उसको, बस ये टूट ना जाए रस्सी, क्योंकि ये रस्सी काफ़ी गाइज मतलब नाजुक है, मुझे लग रहा है टूट वगैरह जाएगी ये। अरे आना यार, अभी तक मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी, एक मछली पकड़ना इतना मुश्किल होता है, वैसे रियल लाइफ में गाइस इतना ही मुश्किल होता है, ठीक है हम लोग बाकी की गेम्स में ना बहुत इजी दिखाया जाता है, वैसे हमने जो डिविजन खेला था उसके अंदर तो भाई बस क्लिक करो मछली फंस जाती है बट रियल लाइफ में बहुत हार्ड है, ये देखो ऐसा मछली पकड़ना पड़ता है। ओके आके आ जा, ऑलमोस्ट गाइस हमने उसको पकड़ लिया है, मैं देखो ज़्यादा जोर दे के उसको ना खींचना नहीं चाहता। यस गाइस एक मछली हमने पकड़ ली, लेट्स गो, कहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रही है बट आई थिंक आ चुकी है गाइज, तो अपना ओके एक फिश को तो गाइज हमने कैच कर लिया, अभी दूसरी फिश को कैच कर रहे हैं, ठीक है मैं बोट को थोड़ा सा रिवर्स कर लेता हूँ, हमको वापस से भाई उस एरिया में जाना है, तो मैं वापस एक बार बेट को डाल देता हूँ। ये गाइज एक और मछली फंस चुकी है, कम ऑन ओके लेट्स गो, जब भी ग्रीन लाइट आती है हमको उसको पकड़ना है, आई थिंक फंस गई गाइज, फंस चुकी है मछली रवानी बड़ी सी यानी, थोड़ा सा मेरे को घुमाना पड़ेगा। ओके कम ऑन, और ये काफ़ी बड़ी लग रही है क्योंकि काफ़ी जोर खींच रही है मेरे को, रुक जा यार। ओके नहीं काफ़ी टाइट, ओके जब भी ज़्यादा टाइट होता है ना तब खींचना नहीं,
ओह अबे ये तो हवा में उड़ रही है इसकी। अबे क्या मछली है, अबे यार ये तो अलग ही पंगा है, हवा में उड़ रही है लिटरली। वो देखो एक सेकेंड, थोड़ा सा उधर चल ले फिर। गधी गई कि हवा में काहे उड़ रही है, पंछी थोड़ी है, बस इसको छोड़ना नहीं ठीक है। हवा में उड़ रही है लिटरली मछली, काफ़ी अजीब है। मर गई क्या? नहीं अभी भी जिंदा ही है, काफ़ी वेट टाइम लग रहा है इसको ऊपर लाने में। कम ऑन यार आ जा ऊपर मेरी मछली, देखो अभी वापस से हवा में आएगी। भाई अलग ही है ये मछली। ओके 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 लेट्स गो, वी डिड इट, फाइंड इट फाइंड इट फाइंड इट। थोड़ा सा वेट करो, आजा आजा देखो अभी हवा में उड़ेगी गधी गई की। ऑलमोस्ट पकड़ तो लिया है, थोड़ा सा और ऊपर आजा। अरे यार आना ऊपर, ओके ऊपर आएगी अभी गाइस, अभी ऊपर आ जाएगी। थोड़ा सा मैं शिप को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। वो देखो ये देखो, दिखाई तो दे रही है मेरे को, वाइट कलर की है, वाइट कलर की। आ जाना गधी, इसको ना काट खाऊंगा मैं मछली बना के। एक और गाइस आपके भाई ने मछली पकड़ ली, अभी बस मेरे को एक और पकड़ने का है, दैट्स इट, फिर अपना ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके एक और फंस गई, बहुत बढ़िया। अरे ये पास में ही बहुत सारी मछलियाँ, एक और फंस गई। कम ऑन आजा 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 लेट्स गो, एक और गाइस फंस चुकी है, अभी इसको भी जल्दी से पकड़ लेते हैं, फिर अपने पास तीन मछलियाँ हो जाएंगी एंड देन हम इन मछलियों को बेचेंगे, देखते हैं इनको बेचने से कितने पैसे मिलते हैं। भाई ये तो देखो अभी ना हम लोग वो जिगलर से मछली पकड़ रहे हैं, जब हम लोग नेट से वगैरह पकड़ेंगे ना भाई तब तो बहुत सारी एक साथ मिलेंगी। और ये भी मछली हवा में उड़ने की कोशिश करी, क्या मछली है, मैंने पहली बार ऐसी मछली देखी है जो हवा में उड़ रही है। अच्छा यार देखो वापस से हवा में जाएगी है। ओके 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 कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ओके हाँ इस बार आ गया चांस अच्छा ऊपर खींचने का। ओके भाग रही है, ओ भाग रही है। एक और मछली को गाइज आपके भाई ने पकड़ लिया, तो मेरे को लगभग रियल लाइफ के 5-6 मिनट लगे तीन मछलियाँ पकड़ने में। और ये इसको बोट के अंदर पकड़ लेते हैं। अरे आ जाना गधी कहेगी, अभी तो इतनी पास आ गई है, इसको छोड़ूंगा नहीं इतनी पास आके। आ जा बीच में अबे, ओके आ गई। सो गाइज फाइनली वी कंप्लीटेड द मिशन, अभी हमको क्या करना है, रिटर्न टू द पोर्ट। ओके अभी सबसे पहले मुझे इन फिशेस को सेल करना है, इसके लिए मेरे को विजिट द फिशरी। ओके ठीक है अभी सबसे पहले काम करते हैं, फिशिंग में क्विट कर लेता हूँ, अपना नॉर्मल हैंड रेडियो यूज़ करते एक सेकेंड। ओ वेट मैं यहाँ पे हैंड रेडियो का क्या है, ओके मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ओके अगर मैं कहीं पे फंस गया तो SOS के लिए है, बट ये मैंने तीन मछलियाँ पकड़ी है, 5.1 kg की है और ये 43 kg की है, भाई बहुत सही। बट अभी मैं व्यू कैसे चेंज करूँ ये जिगलर का, एक सेकेंड मेरे को ये चेंज करने दो ना, मतलब नॉर्मल, अभी मैं नॉर्मल बोट कैसे चलाऊँ मैं, व्हाट द हेल, ये व्यू चेंज कैसे करूँ मैं, रिटर्न टू द फिशरी पोर्ट, आई थिंक मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा। रिड्यूस स्पीड टू डॉक, या आई थिंक मैं यहाँ पर भी डॉक कर सकता हूँ, या टी टू डॉक, लेट्स गो गाइज। ये मैंने डॉक कर लिया, एग्जिट कर लेते हैं बोट को, परफेक्ट। तो हम लोग गाइज आ चुके हैं अपने वापस पोस्ट पे एंड अभी यहाँ पे मेरे को मछलियाँ बेचनी है, बट वेयर शुड आई, कहाँ पे, रिटर्न टू द डॉक। अरे मैं आ गया, मेरे को क्या वहीं पे बोट पार्क करनी है, नहीं ओके कहीं पे भी डॉक कर सकता हूँ मैं, और फिशरी गाइज यहीं पे कहीं पे, यहाँ पे मुझे फिशेस को बेचना है। लेट्स गो, आई थिंक ओके दूसरी तरफ है, ठीक है लेट्स गो। ओ ये रहा फिशरी मार्केट गाइस, तो यहाँ पे मैं मछलियाँ सेल कर सकता हूँ और मेरे को ओके हाँ मेरे पास पैसे, हाँ वो वाला मिशन कंप्लीट करने के बाद मेरे पास कुछ पैसे आ गए। तो एंटर फिशरी मार्केट, ये वाली फिश के मेरे को मिलेंगे कितने, 2000 मिलेंगे सेल ऑल फिश। तो मैंने सारी मछलियों को गाइस सेल कर दिया, लेट्स गो पैसे आ गए थोड़े बहुत, और सेल ऑल फिश कर दिया, ठीक है कंप्लीटेड। अभी क्या करना है, यू डिड इट, यू नाउ हैव इनफ मनी टू परचेस अ बोट। वाओ कहाँ से गाइज, टू परचेस अ बोट यू नीड टू विजिट शिपयार्ड, फॉलो द मार्कर ऑन स्क्रीन। ओके ये बिल्डिंग शिपयार्ड है गाइज, ठीक है तो अभी हम लोग यहाँ पे बोट बाय करने वाले हैं। ओके हम लोग अभी शिप, ओके आई थिंक शिपयार्ड के अभी हम लोग अंदर जाएंगे, हम लोग अंदर आ चुके हैं। वाओ यहाँ पे तो भाई पूरा एक वर्कशॉप है, लेट्स गो। और ये कंप्यूटर, आहा आई गॉट इट, तो क्या है ये कितने की, ओके अभी मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। वाओ इसके ऊपर गाइज मैं चाहे वो चीज़ें लगा सकता हूँ, ठीक है कस्टमाइज सेल, बट मेरे को नई बोट बाय करनी है। बोट्स, हाँ ये आ गई बोट्स, तो यहाँ पे कितने की है, फॉर सेल 44,000 में मिल रही है। ओके गाइस तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, इसका लेंथ 8.5 meters है, ठीक है स्पीड वगैरह कितना है इसका, आई थिंक स्पीड में भी यहाँ पे ओके मैक्सिमम 30 knots स्पीड है इसका, ओके तो ठीक ठाक है। बट मेरे को और भी देखनी है महंगी वाली, और कौन सी, एक सेकेंड पूरा देख लेते, ठीक है बोट्स में आते हैं। हाउ मेनी आर देयर, वाओ भाई 69 million dollars के, व्हाट द हेल, कितनी महंगी है भाई ये। तो गाइज यही सारी बोट्स है, तो मेरे पास यही वाली है कार्गो फिशिंग अभी के लिए। गाइज ये वाली कितने की है,
भाई ये वाली 9 मिलने की गाइस, तो यही वाले में बाय कर सकता हूँ, तो ठीक है अपनी पहली बोट बाय करते हैं। होल्ड टू बाय, ठीक है टू, अरे कितना, ओके हो गया बाइंग, लेट्स गो गाइस, बोट को हमने बाय कर लिया है। मेरे पास अभी भी $6,000 है, तो अभी आई थिंक इसको मैं यहाँ पे ना कस्टमाइज भी कर सकता हूँ अपने ऐसे बाय बोट। ओके फिशिंग यार्ड ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया, तो अभी अपनी हमने यहाँ पे बोट बाय कर ली है, तो अभी क्या करना है, यू हैव परचेस अ फाइन बोट सो यू कैन नाउ लीव द शिपयार्ड। तो गाइज ये वाली बोट अभी हमने बाय करी है भाई, क्या ही प्यारी लग रही है, और इसको भी अपने हिसाब से ना मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। देखो कस्टमाइज के ऊपर आई थिंक मुझे पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, इसको मैं अपग्रेड भी कर सकता हूँ, फ्यूल टैंक अपग्रेड हो जाएगा। वाओ हाँ ये सही है, ओके सर्च लाइट भी इसके अंदर हम लोग लगा सकते हैं, इंजन का पावर बढ़ा सकते हैं। वाओ ये देखो पावर बढ़ जाएगा, अभी के लिए नॉर्मल ये वाला है, मैं कितना ओके गाइस काफ़ी मैं पावर बढ़ा सकता हूँ, $1.5 लाख तक का अपग्रेड है इसमें, स्टेडिंग थ्रोटल सर्च लाइट, ओके रिगिंग भी है यहाँ पे, आई थिंक इसके अंदर फ्यूल कैपेसिटी इसका बढ़ जाएगा, काफ़ी सारे ऑप्शन है, और मैं इसको मेंटेनेंस भी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं कुछ नहीं चेंज करने वाला, अभी यहाँ से एग्जिट कर लेते, बहुत सारे ऑप्शन है, आई एम सो एक्साइटेड। और मेरी बोट कहाँ पे, ये रही गाइस अपनी बोट, लेट्स गो, अभी गाइस हम लोग खुद की बोट चलाएंगे, वहाँ पे जाने के लिए आई थिंक मेरे को यहीं से जाना पड़ेगा। यू हैव नाउ लर्न ऑल द बेसिक्स ऑफ शिपयार्ड, अभी आई थिंक मेरे को खुद से सब कुछ करना पड़ेगा मे बी, अभी सबसे पहले एक फिर देखते हैं यहाँ पे कोई ऑर्डर वगैरह है क्या, क्योंकि हमको ऑर्डर ऑफिस से मिलेंगे। हाँ ये देखो डिलीवरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स, वाओ डिलीवर ग्रोसरीज क्लीन अप ट्रैश वेल वॉचिंग, वाओ ब्रिंग सम टूरिस्ट टू अ वेल, भाई बहुत सारे ऑप्शन है, डिलीवर मेडिसिन डिलीवर गुड्स, ओके तो अपनी अभी नई बोर्ड बाय करी तो इसके एक मिशन तो कंप्लीट करना बनता है, ठीक है तो ये डिलीवर बिल्डिंग मटेरियल्स इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है तो एक्सेप्ट मिशन, और यहाँ पे बैंक वगैरह भी है, मैं बैंक से लोन भी ले सकता हूँ, वाओ सर्विसेज भी है, ओके ये टोइंग का वगैरह है, बट अभी ये कार्गो कहाँ पे मिलेगा मेरे को, ये तो एक एक जाके रखवाना पड़ेगा मेरे को, ओके ठीक है गाइस लेट्स गो, अपना पहला मिशन कंप्लीट करते हैं अपनी पहली बोट के अंदर। बट हाउ डू आई प्लेस दिस, हेलो ई टू बोट यहाँ पे, हाउ डू आई प्लेस एक्स, ओके हाँ ओके ऐसे रखवाना, ओके ठीक है ये मैंने रखवा दिया, ओके फिर मेरे को बाकी के भी और लेके आने, लीव द बोट, ओके समझ गया मैं, तो मेरे को एक एक करके यहाँ पे रखवाने पड़ेंगे, मुझे लगा ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, ठीक है कोई नहीं, एक कार्गो आ गया, ये सारे बिल्डिंग मटेरियल्स है, इसको भी उठा के इसको भी रखवाते बोट के अंदर, टोटल 5 कार्गो है डिलीवर करना है, और मेरे पास 2 दिन है इसको डिलीवर करने, भाई 2 दिन क्या, 1 दिन में ही है, मतलब कुछ सेकंड्स में ही डिलीवर हो जाएगा, तो ये एक और कार्गो मैंने यहाँ पे लगवा दिया, वापस से एक और लेके आते हैं भाई, ये सही है, और आई थिंक इस मिशन से भी मेरे को अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा मिशन उतना ही अपने को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और अभी अपने पास बड़ी बोट है तो ये मोटर बोट को चलाना आई थिंक कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहेगा, तो ये एक और आ गया कार्गो, इसको भी रखवाते हैं ई टू बोट, इसको भी प्लेस करवाते हैं यहाँ पे जस्ट लाइक दिस प्लेस परफेक्ट, तो और अभी 2 आइटम्स और बचे उनको भी जल्दी से लेके आते हैं, और फिर हम लोग ये सारे डिलीवरिंग मटेरियल्स डिलीवर कर देंगे, क्या एक साथ दो दो उठा सकते, नो वे नहीं उठा सकते हम लोग पता है, और मुझे लग रहा है जो मैं नए वर्कर्स हायर करूंगा ना वो आई थिंक यही वाला काम करेंगे। हमने गेमर्स सारा कार्गो लोड कर दिया है और अभी यहाँ से अंदर निकल लेते हैं, ये टू ओपन डोर, वाओ ये देखो भाई क्या ही प्यारा नज़ारा है, मतलब अंदर का पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है, डोर क्लोज एंड अभी इसको शुरू कैसे करें, बोट को शुरू करने का बटन मे बी ये वाला है या मूट थ्रॉटल, ई टू मूट थ्रॉटल, कम ऑन कि आगे कर दिया मैंने, और ओके डी टू अनटॉक, लेट्स गो गाइज, फिर इसके अंदर मेरे को फ्यूल वगैरह भी डलवाना पड़ेगा, बट मेरे को जाने का किधर है, मिशन डिलीवरी पॉइंट कहाँ पे है, अबे ये तो लिख के भी नहीं आ रहा, आई मीन वेट शुड, ओके ओके सामने की तरफ ये देखो, ओके ऊपर ऊपर साइन आ रहा है उसका, तो अभी स्पीड देखो बोट का लगभग 14 नॉक्स के आसपास है, अभी हम लोग 5 नॉक पे चल रहे हैं, 5.8 नॉक, मुझे लग रहा है वो नॉर्मल बोट से तो बढ़िया है, कभी भी बढ़िया है भाई, तो ऑलमोस्ट 5.6, ओके गाइज 6 नॉक्स पे भी हम लोग चल रहे हैं, इसके अंदर मेरे को फ्यूल भी टाइम टू टाइम डलवाना पड़ेगा, और मुझे यहाँ से सामने की तरफ ही जाना आई थिंक फ्यूल मतलब ये सामान डिलीवर करने के लिए, टकरा ना जाए मेरी बोट, शिट, भैंस की टकरानी नहीं, और बोट इट डैमेज, ओके ओ माय गॉड, तो बोट टकरा भी सकती है भाई, एकदम ध्यान से चलाना पड़ेगा गाइज मुझे, इट्स सो हार्ड, ठीक है बोट चलाना इस गेम में, ये गेमर्स हम लोग उस लोकेशन पे आ चुके हैं, अभी सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा बोट का स्पीड कम कर देते ठीक है, कहीं ये सामने जाके टकरा ना जाए, और एक बार व्यू चेंज करके यहाँ पे मैं ये थ्रॉटल पीछे खींच लेता हूँ, ठीक है पीछे आ जा, पीछे इसको पीछे खींचने का है मेरे को,
आई थिंक आ गया पीछे ये ऑलरेडी। ओ मेरी बोट टकरा ना जाए भाई, एक सेकंड, कैमरा एंगल चेंज, कैमरा एंगल चेंज, कैमरा एंगल चेंज। ओ शिट 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 शिट, टकरा गई भैंस की। ओ माय गॉड, मेरा कैमरा एंगल चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ओके आई थिंक मुझे, ओके मेरे को यहाँ पे, ओके ड्राइव, ओके ड्राइव में नहीं था मैं। सो गाइज हम लोग आ तो गए यहाँ पे और बोट को नॉक करना है मेरे को। बोट को गाइज यहाँ पे हमने डॉक कर दिया है और अभी आई थिंक मेरे को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एंगल चेंज कर लेता हूँ, ओपन द डोर। अभी मेरे को एक एक करके आई थिंक कार को यहाँ से ऊपर ले जाना पड़ेगा, लीव द बोट, और यहाँ पे रखवाना पड़ेगा। और ऐसा ही सीन है, वाओ मेरे को एक एक कार को उठा के लाना पड़ेगा। ओके ठीक है कोई नहीं, लाते हैं एक एक करके। यार ये एक साथ में ही ऑप्शन होना चाहिए था, अभी मेरे को वापस बोट के अंदर उतरना पड़ेगा। कहाँ से उतरूँ अभी मैं? ओके यहाँ से ई टू बोट, बोट ठीक है। एक और कार को आएगा, इसको उठाते हैं, लीव द बोट। ओके ईजी है, ईजी ईजी है। और ये एक और रखवा दिया कार को मैंने, परफेक्ट। तो लेट्स गो, एक और बार कार्गो लेके आते हैं। ये एक और कार्गो रहा, पिकअप करते हैं इसको, लीव द बोट एंड यहाँ पे रखवाने का है, एक्स टू प्लेस। ओके एक और बार बोट के अंदर एंटर करते हैं, एंटर द बोट, पिकअप द कार्गो एंड लीव द बोट एंड प्लेस द कार्गो। अरे इजी है, लेट्स गो। ये एक और कार्गो मैंने रखवा दिया, बस एक्स दबाने का है। अब एक्स दबाना, या हो गया डिलीवर एंड अभी आखिरी कार्गो बचा है। आखिरी कार्गो, इसको पिकअप करते हैं, लीव द बोट एंड डन। गेम इज फाइनली, मैंने सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं। एज यू कैन सी अपना बिल्डिंग मटेरियल्स हमने यहाँ पे डिलीवर कर दिए, हमको पेमेंट मिलेगा $20,000 का कंटिन्यू। और वही मज़ा आ गया सीरियसली। और अभी मैं वापस अपने ना घर पे निकल लेता हूँ यहाँ से, रिसेट द बोट, अपना यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर दो। ओके और यहाँ पे क्या है, हेल्थ, बोट की गाइस थोड़ी सी हेल्थ खराब हो गई है बिकॉज यहाँ पे बोट टकरा गई थी। मेरे को समझ नहीं आया था पहले इसको मैं रोकूँ कैसे, बट अभी मेरे को पता है कैसे करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं बोट को ड्राइव करके यहाँ से निकल लेता हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सजेशंस है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय गेमर्स।